हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक हिडन कैमरे को। एक्चुअली अनबॉक्सिंग नहीं है, क्योंकि मैं अराउंड 3 या 4 दिन से इसको कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा हूँ और बॉक्स बुक्स भी इसका तो अब इधर उधर हो चुका है। तो टेक्निकली इट्स नॉट एन अनबॉक्सिंग, इसको मैं रिव्यू बोलूंगा, क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी इसकी क्लैरिटी है, किस टाइप का ये कैमरा है। क्योंकि देखिए, हिडन कैमरे मार्केट में काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट उस लेवल की क्लैरिटी वो नहीं दे पाते हैं जैसे हमारे रेगुलर 2 मेगापिक्सल कैमरे दे देते हैं, बट ये कैमरे नहीं दे पाते हैं। बट ये जो कैमरा है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और इसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये देखिए, इस टाइप का ये कैमरा है। यहाँ पर आपको कैमरा दिखेगा, तो ये स्विच बोर्ड की तरह कैमरा है और इसका जो ये सॉकेट है ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी इक्विपमेंट इनसे चला सकते हो। और यहाँ पर ये हिडन कैमरा है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कहीं पर भी दीवार पर, वॉल पर इसको लगा दोगे तो इतनी जल्दी ये पकड़ में नहीं आता और आप इजीली जो भी आपने चेक करना आप कर सकते हो। तो ओवरऑल कैमरा काफ़ी अच्छा लगा और मैं 4 दिन से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लैरिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और दूसरी बात, इसमें ऑडियो भी है, यानी कि आप सुन भी सकते हो वहाँ पर क्या बात हो रही है। बट इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, इसमें नाइट विजन नहीं है। मतलब इसको अगर आपने कैमरे को यूज़ करना है तो इसको लाइट, नॉर्मल लाइट होनी चाहिए रूम में, तभी आप देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे, क्योंकि नाइट विजन इस टाइप के छोटे कैमरे में पॉसिबल भी नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो फटाफट से इसको मैं आपको फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। 4 दिन से मैं कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आपको देता है ये। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एक स्विच बोर्ड जिसमें यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, तो काफ़ी शानदार है ये। और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो नॉर्मल स्विच बोर्ड की तरह, और ये कैमरे का भी काम करेगा, मतलब कि डबल पर्पज आपका सॉल्व हो जाता है ये। तो चलिए फटाफट से इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है अंदर से। सो गाइज, ये हमने कर लिया है ओपन। तो ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर ये सर्किट है इस तरह से। तो ये जो है ये नॉर्मल सर्किट है जैसा आपका स्विच बोर्ड में होता है। ये 3 पिन शू है, ये भी 3 पिन शू है, ये ऑन ऑफ बटन है, इसको आप ऑपरेट कर सकते हो इजीली, ये देखिए इस तरह से। और सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने 2 पिन सॉकेट यूज़ करना है जब भी आप कोई भी चीज़ इससे चलाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कैमरा दिया गया। अगर आप 3 पिन सॉकेट यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पर आपने 2 पिन ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप 3 पिन यूज़ कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल अपना जो सॉकेट है वो यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये सर्किट कैमरे का है, ये पूरा सर्किट कैमरे का है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीसेट बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का पॉइंट दिया गया है, मेमोरी कार्ड स्लॉट है। और ये चार्जिंग के लिए, या फिर अगर आपको कल को लैपटॉप वगैरह कुछ कनेक्ट करना हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा है, वैसे इतने कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको वाईफाई से अटैच किया तो आप चाहो रिकॉर्डिंग भी वाईफाई के थ्रू ही देख सकते हो, बैक रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव व्यू भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो बार बार इसको खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट है। और मैं आपको एक बार मेमोरी कार्ड भी लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास है ये मेमोरी कार्ड 64 GB का। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा ध्यान से आपने इंस्टॉल करना है क्योंकि डेलिकेटेड चीज़ है ये, तो आराम से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपने ऐसे लग कर देना है और उसके बाद इसको सिंपली प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद टिक की आवाज़ आएगी, तो ये आपका मेमोरी कार्ड यहाँ पर अटैच हो चुका है इस सिस्टम से। तो मैं फटाफट से इसको बंद करता हूँ और उसके बाद हम इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। तो अब देखिए, यहाँ पर इसको कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई ज़्यादा ध्यान से देखेगा तभी पता चलता है, अदरवाइज बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी ये क्लैरिटी हमें देता है। तो गाइस, हमने अपने इस कैमरे को पावर दे दिया है, पावर से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ़ोन में और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर V380 Pro, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इसमें आपने एक साइन अप कर लेना, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो, एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। तो अभी आपने क्या करना है, वाईफाई सेटिंग्स के अंदर जाना है
और सबसे पहले इस कैमरे के वाईफाई को अपने फोन से कनेक्ट करना है। तो मैं फटाफट से इसको फोन से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए MV के नाम से यहाँ पर जो इसका वाईफाई है वो नजर आ रहा है, तो इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद आपने एप्लीकेशन में इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो वाईफाई है इस कैमरे का वो कनेक्ट हो चुका है हमारे फोन से। तो अभी सिंपली आपने एप्लीकेशन के अंदर जाना है, तो मैं V380 Pro में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करना है। तो इस तरह से अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है कैमरा, इसने डिटेक्ट कर लिया है इस कैमरे को। तो यहाँ पर हम ऐड डिवाइस में जाएंगे सिंपली, और ऐड डिवाइस में जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने प्ले के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्ले के निशान पर क्लिक करते हो तो ये पासवर्ड मांगता है, आपने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करो उसमें अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, तभी ये पासवर्ड लेगा। तो ये देखिए हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। तो अभी आपने क्या करना है, इस कैमरे को, अभी तो हमने सिंपली इसको इसी के वाईफाई से कनेक्ट किया है और कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी आपने क्या करना है, जो हमारा मेन वाईफाई है उससे कनेक्ट करना है। उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट मिल रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाना है और यहाँ पर वाईफाई स्टेशन मोड को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वाईफाई सर्च करेगा। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, देखिए जितने नियर बाय वाईफाई होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हमारा ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड इसने ऑलरेडी उठा दिया है, आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हो अपने वाईफाई का और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा हो चुका है। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपली वापस से वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है और जो आपका मेन वाईफाई है उसको कनेक्ट कर लेना है, या फिर आप मोबाइल डाटा पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको प्ले करेंगे। तो ये देखिए हमारा कैमरा कनेक्ट हो चुका है। तो अभी ये वाईफाई से है, आप इजिली कहीं पर भी इसको देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पर वाईफाई हो, और आप विदाउट वाईफाई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं रिकॉर्डिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर स्नैपशॉट का ऑप्शन है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रीप्ले का ऑप्शन है। तो रीप्ले में आप बैक रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमने यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये बैक रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैंने आज ये सारा दिन चला के रखा है तो सारी रिकॉर्डिंग आपको ईजिली दिख सकती है यहाँ पर, और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बढ़िया बात तो क्लैरिटी की है, तो क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है इसमें, और साथ में आपकी जो वॉइस है, ऑडियो है, वो भी रिकॉर्ड होती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। और दूसरा, इसमें ना तो कोई साउंड है कि कोई पकड़ सकता है कि ये कहाँ से साउंड आ रहा है, बाई चांस कोई कैमरा अगर साउंड करता है तो, ना तो इसमें कोई साउंड चलता है ना ही कोई लाइट जलती है, तो आपको पता नहीं चलता कैमरा ऑन है या ऑफ है, आप सिंपली अपने फोन में देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. So इस कैमरे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई चाहता है तो वो वहां से परचेज कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे कैमरा काफी बढ़िया लगा, इसमें 3-4 बहुत ही बढ़िया खूबी है। सबसे पहले तो क्लैरिटी काफी अच्छी है, दूसरा इसमें कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी साउंड नहीं आता इसमें जब भी आप कैमरे को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, वो काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब कोई भी इजीली कैच नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। अगर किसी ने पहले से देखा हो तो वो पता कर सकता है, बट फर्स्ट टाइम देखने पर नहीं पता चलता कि इसमें कैमरा है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इस कैमरे का रिव्यू, क्योंकि मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी लगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।